जहाँ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता देवी सोमानी जो नित्य प्रातः तुलसी का पौधा सींचती हैं। नमो तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिय सुभे, नमो मोक्ष प्रदे देवी, नमो संपत् प्रदायनी। ये हैं उनके बड़े बेटे श्री अक्षय सोमानी जो कि पुणे में कार्यरत हैं। इनके विवाह को अभी 1.5 वर्ष ही हुआ है। माँ बाबूजी प्रणाम। जीवता रे बेटा। मिलिए घनश्याम दास जी की बेटी नेहा से जो कि नागपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है और विवाह योग्य है। और ये है आयुष सोमानी, घनश्याम दास जी के छोटे बेटे जो कि हैदराबाद में पढ़ाई रहते हैं और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। ओह माय गॉड, यू आर फनी गाइस। लॉकडाउन की मेहरबानी से ये सभी 9-10 महीनों से साथ में हैं। आइए देखें सोमानी जी के यहाँ क्या हो रहा है। हाय माँ, गुड मॉर्निंग। थाने कितनी बार समझायो है, राम राम सा करियो कर। अरे मेरी प्यारी माँ, ये मारो बेटो बिगड़ गयो। बीननी ओ बीननी, बेगी तैयार होने आ, माँ शारदे रो पूजन करनो है। अभी आए माँ। और ये है श्रीमती दिव्या सोमानी, घनश्याम दास जी की बहू, अक्षय की धर्मपत्नी। क्या बात है मेरी सूरजमुखी का फूल, बहुत खिल रही हो। अरे भाभी, आज इस साड़ी में तो आप कमाल के दिख रहे हो। आप तो सौंदर्य को भी फेल कर रहे हो, देखना कहीं हमारे भैया घायल ना हो जाए। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। हाँ, हम अपनी सुविधा अनुसार सलवार सूट पहन तो लेते हैं, पर असली सौंदर्य तो अनारी का साड़ी में ही है। पता है माँ, जब कॉलेज में हम सारी लड़कियाँ जीन्स पहन कर जाती थी तो हमारी हिंदी की प्रोफेसर मजाक में एक बहुत सुंदर बात बोलती थी कि हमारी आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल को तरस जाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली माँ पल्लू कहाँ से लाएगी। सलवार सूट आपरी जगह तो ठीक है, पर बात यार में लुवाया साड़ी पहने तो घनी फूटरी लागे। ये क्या फूटरा फूटरी बोल रही हो माँ? क्यों रे, थाने मारवाड़ी को नहीं आवे? फूटरी माने सुंदर। ए मारो छोरो, बिगड़ गयो, बाहर रह के यो मारवाड़ी भूल गयो। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अरे जल्दी पुरसो माँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। बिन्नी अक्षरी थाली पुरसो। जी माँ। अरे वाह, मीठा चावल, नमकीन चावल, गट्टे की सब्जी, कढ़ी, आज ये रसोई क्यों बनी है माँ? बेटा आज बसंत पंचमी है, बसंत ऋतु में बासंती रंग सो पूरे धरती रो श्रृंगार हो गए है। आज माँ सरस्वती रो प्रकट महोत्सव भी है। और हाँ सुनो ना, जैसे आखा तीज में खिचड़ा डुबरा रोटी, शीतला सप्तमी में राग रोटी गुलगुला, शरद पूनम में खीर बनती है, वैसे ही आज इस रसोई का महत्व है। मैंने ये सारी बातें 9 महीने में माँ के साथ रहकर सीखी है। और साथ ही हमारा पारंपरिक भोजन दाल बाटी चूरमा वो भी बनाना सीखा। सच है माँ, हम थाई, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज ये सब दूसरे देशों का खाना तो खा रहे हैं, पर अपने पारंपरिक व्यंजन जैसे मूंग दाल का सीरा, मुंगोड़ी, लापसी, बाजरे का सोगरा, सांगरी का साग, ये सब हम भूलते जा रहे हैं। वाह माँ, आज के भोजन में तो आनंद आ गया। आनंद क्यों ना आएगा, माँ भोजन बनाते समय भजन जुगाती है, और आज तो माँ रसोई बनाते समय मीठे रस से भरी राधा रानी लागे यही भजन गा रही थी, तो भोजन में तो रस बरसेगा ही ना। अरे बेटा, रसोई बनाता समय भजन गावा तो वही भाव जीवन वाले रे मन में भी उतरे है, केवे ना जैसो खाओ अन्न वैसो होवे मन। बिल्कुल सही माँ, पर भैया आज आप भाभी को देखने के चक्कर में ठाकुर जी को याद करना तो भूल भी गए। अरे हाँ हाँ बेटा,
भोजन ग्रहण करने से पूर्व अन्नपूर्णा माँ की स्तुति करके उनको धन्यवाद देकर ही भोजन करना चाहिए। और माँ, आज ये चौकी लगाकर खा ली? हाँ बेटा, इस रसोई का आनंद डाइनिंग टेबल पर कहाँ, और वैसे भी पालथी मारकर भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र बेहतर काम करता है। भाभी, मुझे तो डाइनिंग टेबल पर ही पुरस दो। क्यों, नीचे बैठने में थोड़ा पैर दुखे कहीं? अरे माँ, ये जींस में मैं कहाँ नीचे बैठ पाऊंगा? थारो कुर्तो पजामा पठे है, सामरा जीवन में वही पैर से। अरे मेरी प्यारी माँ, देखो जींस में मैं कितना हैंडसम स्मार्ट लगता हूँ। ये मारो लाडे सर, बिगड़ गयो, थारी संगति ठीक कोनी है। अरे कांता, वो बायोडाटा आयो थोनी मुंबई सु, लड़के रे बारे में पतो करियो कई? हाँ, पता चालियो है कि वो लड़को तो नॉनवेज खावे। अरे राम, काय ने ये टाबर लोग आपरो धर्म भ्रष्ट करे हैं? हाँ बाबूजी, हमारी आते तो नॉनवेज के लिए बनी भी नहीं है। और हमारे भारतीय भोजन में जो मसाले डालते हैं, जैसे हल्दी, राई जीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, ये सभी औषधीय गुणों से भरपूर है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। और अभी कोरोना काल में इन सभी भारतीय मसालों की अहमियत पूरी दुनिया ने समझी है। बिल्कुल सही, और साथ ही घर का बना भोजन शुद्धता से भरपूर होता है। मुझे तो होटल का खाना भी अच्छा लगता है। यो मारो छोरो, बिगड़ गयो, बाहर रह के मारो सिखायो रो सारो संस्कार भूल गयो। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखुरे मारा सावरिया, राखुरे मारा सावरिया, ते चाकर मांगी राखो जी। वाह माँ, सब एक साथ बैठकर भजन गाते हैं तो कितना आनंद आता है। अभी पिछले 2 घंटे से लैपटॉप पर काम करते करते, मीटिंग अटेंड करते करते मेरा दिमाग थक सा गया था, पर भजन गाकर मेरा मन मस्तिष्क एकदम हल्का हो गया है। और भजन के साथ हम जो ये ताली बजाते हैं, इससे हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। और माँ, मारवाड़ी भजनों की तो मिठास ही अलग है। और तो और, कई हिंदी भजन तो फिल्मी गाने के तर्ज पर होते हैं। सही है, भजन कम गाना ज्यादा याद आता है, तो गाना ही गा लिए करो ना। चल हट। माँ, यहाँ रहकर पिछले 9 महीनों में हमारी भजन गाने की इतनी आदत हो गई है कि अब हम पुणे जाकर हर संडे भजन गाएंगे। बहुत अच्छा बेटा, भजन गाने से भाव शुद्ध हो गए हैं, मन निर्मल हो जा रहे हैं। आयुष, चल एक भजन सुना। मैया मोरी माने भजन कोनी आवेरी, मैया मोरी भजन समझ कोनी आवे। मैया थारो छोरो बिगड़ गयो। हाय राहुल, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? व्हाट? नो, आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, अंडरस्टैंड? काई अंग्रेजी में दिन भर किट पिट करे। आयुष, इंग्लिश जरूरी है मैं मानता हूँ, पर घर में तो हिंदी मारवाड़ी बोला कर। अगर तुम मारवाड़ी नहीं सीखोगे तो आगे की पीढ़ी को क्या सिखाओगे? आगे की पीढ़ी? बाबूजी, आप बहुत आगे की बात नहीं कर रहे। हेलो, हाँ क्या सच में? हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं फर्स्ट आ गया। मैं? क्या हुआ आयुष, किसका फोन था? अरे बहन, मैं फर्स्ट आ गया भजन प्रतियोगिता में। बधाई, बहुत बहुत बधाई मेरा प्यारा भाई। काई बात री बधाई देवे है छोरी? अरे माँ, आयुष के कॉलेज में एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी जिसमें प्रतिभागी को अपने पारंपरिक वेशभूषा और भाषा में भजन गाना था, और आयुष उसमें फर्स्ट आ गया है। अरे वाह छोरो। हाँ माँ, आज मुझे एहसास हुआ कि हमारा पारंपरिक परिधान और हमारी मारवाड़ी भाषा से ही है हमारी पहचान। ओ तो तू एकदम ठीक बोले हो, पर ये तू सीखियो कठे सु? थे लोग पिछले 9 महीना से जो भजन गाता रहता, वो सुन सुन के माने तो सीखनो ही थो। तो तू गावतो क्यों नहीं थो? वो तो मुझे मेरी यशोदा मैया को छेड़ना अच्छा लगता है। ओ तो मारो छोरो सुधर गयो।
लाकड़ी मार जीवो आपनो पारंपरिक भोजन जिकेसु हस्त पुष्ट हो जावे है आपनो तन नित्य ही सगला मिलकर गावा प्रभु रो भजन जिकेसु शुद्ध व संतुष्ट होवे आपरो मन नारी कितनी लगती प्यारी जब पहने वो साड़ी क्योंकि साड़ी हर परिधान पर भारी आपारी मारवाड़ी भाषा ही आपारी पहचान बोलन सुनन में लागे है चौकी मिठासरी खान आजाद रहेंगे ख्यालों से बंधे रहेंगे संसारों से।